ठीक है, और आपकी ग्रोथ के लिए। तो पौधे को तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसके अच्छा विकास भी ज़रूरी उसके लिए होता है, क्योंकि विकास है तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी है। दूसरा उसकी बढ़वार, उसकी सुरक्षा, कीड़ों से बचाना है, उसको बीमारियों से बचाना है। तो तीनों चारों चीज़ें हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो उन तीनों चारों चीज़ों का क्या है कि उसको सुरक्षा जब हम कर पाएंगे, जब हमें उसकी कम्प्लीटली नॉलेज होगी। नॉलेज कब होगी? जब हम जैसे डॉक्टर एक नई टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाएंगे, आपको उसकी जानकारी देंगे, जब आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कब करना है, किस सिचुएशन में करना है, वो सारी जानकारी हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको देते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में। मुख्य फसल ऐसे मुझे ज़्यादातर दिख रहा है सरसों का है, यहाँ पर गेहूँ का भी है, मुख्य ही है, बट क्या है कि दोनों क्रॉप भी मौजूद है हमारे पास में। बट सबसे पहले मैं बात करूँगा अभी सरसों की, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी आपकी ग्रोथ ग्रोइंग स्टेज में आ रही है और फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी कहीं कहीं शुरुआती दौर में भी है। तो अभी जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है तो आप देख रहे होंगे साथ साथ ही फुटाव भी चल रहा है, दोनों चीज़ें इकट्ठा चल रही हैं। तो इस समय पर क्या है कि पौधे ने जितनी भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आपने ज़मीन में डाले हुए हैं, जो भी आपने फर्टिलाइजर ज़मीन में डाला हुआ है, वो पौधा ग्रहण कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ग्रहण करता है तो अपना जैसे उसको ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ में कहीं ना कहीं उसको हेल्प की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं उसको एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब हमने ज़मीन में कुछ डाला होगा या हमने पौधे के ऊपर कुछ स्प्रे किया होगा, जिससे कि पौधा हमारा मौसम से भी लड़े और अपना जो ग्रोथ है वो लगातार करता रहे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्वाधीन के बारे में। ये जो स्वाधीन आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये स्वाधीन नाम की एक दवाई है जिसमें हम आपको सल्फ़र और साथ में एक बीमारी नाशक दवाइयों का मिश्रण देते हैं। सल्फ़र आप सभी डालते ही हैं, और सल्फ़र बेहद ज़रूरी भी होता है सरसों की फसल के लिए। और ये जो साल है सरसों के लिए बेहद बढ़िया साल है, आपके हित में है। आपके हित में कैसे है? अभी दो या तीन साल पहले की अगर हम बात करें तो भाव बहुत थोड़ा होता था, पैदावार तुम जो ले रहे हैं बट भाव बहुत थोड़ा होता था। भाव आज के समय पर क्या है कि 8,500 रुपये का भाव है। अगर सीजन के ऊपर 8,000 रुपये में हमारा भाव रह जाता है तो फिर भी कम नहीं है, भाव कम तो नहीं होता ये 8,000 रुपये। और 8 एक अच्छा भाव लेने के लिए हमें एक अच्छी पैदावार भी चाहिए होती है। तो अभी जैसे आपकी फसल है, आप इसमें फर्टिलाइजर लगाएंगे, यूरिया तो डालेंगे ना, ये अब डालना शुरू कर दिया आपने, शुरू कर रखा है। तो मैं आपसे कहूँगा आप सबसे पहला यूरिया लगाएं, तो साथ में आप ये स्वाधीन भी लगाएं। हाँ जी मिला के स्प्रे, ये भी बताऊंगा मैं। आप अगर छींटा लगाते हैं, छींटा लगाना देखो बेहद आसान तरीका है और बेहद इजी है, और आप खुद भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको कोई लेबर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये जो आप स्वाधीन का डब्बा देख रहे हैं, स्वाधीन ही दवा में क्या है, स्वाधीन के अंदर मैंने जैसे आपको बताया हमने, इसके अंदर सल्फर और एक बीमारी वाली दोनों दवाई हमने इसके अंदर डाली हुई है। आप इसका अगर यूरिया में डाल के छींटा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल को सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है, साथ साथ में जो रस्ट की दिक्कतें आती हैं, अभी जैसे सिचुएशन आप देख रहे हैं ग्रोइंग स्टेज में है, तो इस समय क्या है कि रस्ट की दिक्कत बहुत आती है, वाइट रस्ट, सफ़ेद वाला पाउडर, पत्ते नीचे वाले पत्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं डंडियों के ऊपर भी ये जब ज़्यादा अटैक करता है तो डंडियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। जिस प्लांट के ऊपर आ जाएगा उसका आकार ही बदल देता है, उसकी संरचना को बिल्कुल बदल देता है, जो कि ये और ये फैलने वाला रोग होता है, कहीं एक पौधे में दिखेगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरीके से पूरी फसल में आपको पूरे खेत में कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप पहला यूरिया लगा ही रहे हैं तो साथ में 500 ग्राम स्वाधीन का आप जरूर छींटा मारें। सल्फर का जैसे मैंने आपको बात बताई, प्रोडक्शन की बात अगर मैं करता हूँ तो बीज के अंदर अगर आपका सल्फर की आपने फसलों के अंदर बढ़िया पर्याप्त मात्रा डाली और समय से डाली है, तो आपका जो बीज है, बीज के अंदर ऑयल की मात्रा को बढ़ाता है सल्फर। जब ऑयल बीज के अंदर बनेगा तो उसका वजन भी ज़्यादा बनेगा, साइज़ भी बनेगा अच्छा, कहीं ना कहीं जो आपके दाने हल्के रह जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर एक साइज़ मेंटेन हो जाएगा, और हर दाना ताकतवर बनेगा, हर दाने के अंदर तेल होगा, बालियाँ भरी हुई होंगी, तो आपको पैदावार कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी? ज़्यादा मिलने वाली है। तो ये आप प्रैक्टिस करते ही करते हैं तो साथ में आप यूरिया के साथ में स्वाधीन का भी जरूर आप इस्तेमाल करें। दूसरा, आपको बीमारी और सल्फर की भी पूर्ति हो रही है और साथ कहीं ना कहीं आपके पैदावार में भी सहायक हो रहा है, क्योंकि ये तो आप डालना है। इसके अंदर क्या है कि पाउडर फॉर्म में दिया होता है, ये बिल्कुल प्योर है, इसको आपको बनाना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको यूरिया मिलाइए, आसानी से मिल जाता है।
आप 25 किलो यूरिया 50 किलो यूरिया जो भी एक एकड़ में डाल रहे हैं उसमें आप इसको आधा किलो मिलाइए और छींटा लगा दीजिए, बस इतना काम करना है। ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको बताया सल्फर की पूर्ति के लिए और पौधे को बीमारी से बचाने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि हमने ज़मीन के अंदर DAP यूरिया पोटास तो भरपूर मात्रा में डाला, उसमें कोई कमी नहीं, हम कभी भी करते हैं, तो कुछ खेत हमारे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होती है, फसल इतनी अच्छी नहीं उसमें हो पाती है, या फसल डालने के बावजूद भी हम अच्छी फसल नहीं ले पाते काफ़ी कुछ डालने के बाद में। वो रीज़न क्या है कि हमारे जो पौधे की जड़ें हैं वो विकसित नहीं हो पाती किसी न किसी कारणों से। पोटास पूछ तो लो, डाल लिया नहीं किसी ने? हाँ जी, पोटास डाल लिया किसी ने? कुछ है वो देखो आप ही बताओ, अंदाजे ना लगाओ। हाँ जी, ये जान देखो पोटास चीज के। अच्छा जी, अंदाजे ना लगाओ आप, तो बहुत सक्सेस एरिया की बात कर रहे हो। जी जी, शुरुआत तो पेट दी ठावेगी पोटास में, कौन समझती? देखो कोई बात नहीं, उस बारे में भी चर्चा करेंगे, चर्चा करो ना शुरुआत, बिल्कुल करेंगे जी उस बारे में चर्चा। मैं उन्हीं चीजों के लिए बता रहा हूँ जो मैं बताता हूँ जी। आप पोटास नहीं डालते, ये नहीं जानते, कोई बात नहीं, ये बात मैं आपकी समझ गया। इसकी पूर्ति हम कैसे करें उसके समाधान पे मैं भी